तो जी हाँ दोस्तों, बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाते हैं और सामने वाला बंदा आपके अगर नंबर को सेव करके रखा है तो आपके आराम से व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप स्टेटस हो जिसे हम परमिशन दें वही केवल देखें, तो व्हाट्सएप में आपको छोटा सा एक सेटिंग करना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह से आप उस सेटिंग को करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को मन मुताबिक दिखा सकते हैं। मतलब आप जिसे चाहेंगे वही व्यक्ति केवल आपका व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपने व्हाट्सएप में उस सेटिंग को करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है स्टेटस में, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों दाएं साइड में ऊपर थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर स्टेटस प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको स्टेटस प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टेटस प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका माय कॉन्टैक्ट पर रहेगा, यानी कि आपके जितने भी नंबर अभी कॉन्टैक्ट में हो सभी आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकता है। और जो सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा यहाँ से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जिससे अपने व्हाट्सएप स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से रेड टिक लगा देना है, सेलेक्ट कर लेना है। और बाकी के जो लोग बचेंगे दोस्तों, जिसे आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वह आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख सकता है, और जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वह आपके व्हाट्सएप स्टेटस को नहीं देखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको एक ग्रीन टिक मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों, अब आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है उन लोगों को दिखाई नहीं देगा जिसे आप सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है थर्ड नंबर पर, ओनली विथ शेयर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा तो यहां से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को शेयर कर सकते हैं। यहां से आप जिसके पास नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं उसके आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरह से ग्रीन टिक लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों नीचे में आपको फिर से ग्रीन टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों, अब आपके जो मित्र हैं जिसे आप सेलेक्ट किए हैं उसके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में इस सेटिंग को करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को मन मुताबिक दिखा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपका भाई ऐसा ही वीडियो आगे भी आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।